कांटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी फौजी विमल कुमार ने अपने समर्थकों के साथ हुए जदयू में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज 24। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। पेश है मुजफ्फरपुर बिहार से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी फौजी विमल कुमार ने पटना के कर्पूरी सभागार में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विमल कुमार व उनके समर्थकों को पार्टी का सदस्यता ग्रहण कराया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि फौजी विमल कुमार के पार्टी में आने से मजबूती मिलेगी। इस दौरान फौजी विमल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के विकास व उनके कार्यों का विचार से प्रेरित होकर संस्था ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योजनाओं की कांटी विधानसभा के जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मौके पर प्रदेश संगठन सचिव एवं क्षेत्रीय संगठन प्रभारी अरुण कुशवाहा, प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार जदयू, नेता सनेश शैलेश कुमार, चंदन सुमन मुखिया, मुकिंद कुमार, सत्येंद्र ओझा, नितेश दुबे, मोहम्मद सदीक, धर्मेंद्र कुमार, पंकज ठाकुर, जितेंद्र ओझा, गोलू कुमार, राघवेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। और दूसरी तरफ हम प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के तमाम अधिकारीगण का धन्यवाद करते हैं जो कि हमें पार्टी में जोड़ने का काम किया है और इसी के साथ हम अपना पार्टी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गति भी है जो आजादी के बाद इतना विकास कभी हुआ नहीं और आपके बारे में है किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हो, काम हुआ। और आप याद करिए उन 15 वर्षों का 2005 के पहले की स्थिति और 2005 के बाद की स्थिति, जो हम लोग के नेता के नेतृत्व में जो काम हुआ है ये किसी से छिपा हुआ नहीं, ये काम बोलता है। और हम लोग के नेता जो कहते हैं करते हैं। और अगला उसके बारे में आप सब लोग वाकिफ है, जो प्रतिपक्ष है, जो प्रतिपक्ष नेता जो अनाप शनाप अपनी बातों को उठाते रहते हैं, उनके विकास में विश्वास नहीं। अभी आप लोग को मालूम है कि बजट सत्र इम्पोर्टेंट सत्र चल रहा है और इस सत्र में भी जनता के सवाल सीधा सभी माननीय विधायक का रहता है, जो समस्या रहती है वो सदन में उठाया जाता है, तो सदन में उठाने का काम नहीं करते। सदन कैसे डिस्टर्ब रहे, उनको विकास तंत्र में विश्वास नहीं है, उनको लूट तंत्र में विश्वास है। तो जो पहले उनके माता पिता करते आए, अभी उनका सत्ता का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो अनाप शनाप बोल रहे। हम लोग के नेता दिन रात काम में विश्वास करते हैं, हमारा बिहार समृद्ध कैसे बने इस पर काम कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। और इससे प्रभावित होकर विमल जी ने आज संस्था ग्रहण किया है। इस मौके पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि विकास के रास्ते में और विकास के सहयोग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को सहयोग करने के लिए आप लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया है, इसके लिए ढेर सारी आप लोगों को ढेर किया हुआ कार्य किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्य किया हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पहले का विकास क्या था और आज का विकास क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी कारण हम जनता दल यूनाइटेड का साथ देने का निर्णय। कितने सदस्य अभी तक आपके हैं? अभी तो जो सक्रिय सदस्य हैं वो करीब 150 के साथ हम आए हैं और भी जो हमारे क्षेत्र में है, संसाधन के कमी के वजह से हम नहीं लेके आए हैं। अभी कोरोना काल के अभी चल रहा है, इसके वजह से हम नहीं लेके आए हैं और यही कारण है कि कम संख्या में हम यहाँ। अभी कितने सदस्य जो है? करीब 150 के करीब, 150 से 200। क्या लगता है आपने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया है तो पार्टी का क्या हो?
बिल्कुल काटी का जो मुद्दा है हम यहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, एक कड़ी का काम करेंगे काटी के विकास के लिए। काटी के विकास का जो भूमिका है उसको आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पे जो भी समस्याएं हैं यहाँ तक सरकार तक पहुँचाने का एक काम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।